बच्चों में कुपोषण की चुनौती को समाप्त करने के लिए भी पूरी शक्ति से काम कर रही है। कुपोषण के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों को दूर करने के लिए तथा कुपोषण से पीड़ित लोगों के लिए मेरी सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है। देश के दूर दराज और आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक भी टीकाकरण की सुविधा पहुँचे, इसके लिए सरकार ने मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की, जिसके फलस्वरूप अब देश बहुत तेजी के साथ पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। चाहे शहर हो या गांव, मेरी सरकार स्वास्थ्य से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम तेजी से कर रही है। सरकार द्वारा नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है और देश की हर बड़ी पंचायत में वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरई से लेकर जम्मू कश्मीर के पुलवामा तक और गुजरात के राजकोट से लेकर असम के कामरूप तक नए एम्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार नए आयुर्वेद विज्ञान संस्थान भी खोल रही है और साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग को भी बढ़ावा दे रही है। गाँवों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए बीते 4 वर्षों में मेडिकल की पढ़ाई में 31,000 नई सीटें जोड़ी गई हैं। माननीय सदस्यगण, जब मेरी सरकार ने ये लक्ष्य तय किया कि वर्ष 2022 में जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तब कोई भी परिवार बेघर ना रहे, तो कुछ लोग सोचते थे कि ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन सरकार ने पुरानी योजनाओं के घरों का निर्माण पूरा करने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर और गांव में घर बनाने के काम को अभूतपूर्व गति दी है। पिछले 4.5 वर्षों में सरकार की ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत 1,30,00,000 से ज़्यादा घरों का निर्माण किया जा सका, जबकि वर्ष 2014 के पहले 5 साल में सिर्फ 25,00,000 घरों का ही निर्माण हुआ था। गरीबों के लिए घर के निर्माण और घर की चाबी देने में 5 गुना से ज़्यादा की ये तेज़ी देश के गरीबों की तकदीर और हमारे गाँव की तस्वीर बदल रही है। इसी तरह शहरों में भी अब अपना घर बनवाना या खरीदना सामान्य आय के व्यक्ति के लिए अधिक आसान हुआ है। काले धन और ऊंची कीमतों की वजह से किसी सामान्य परिवार का अपना घर होने का सपना पूरा होना मुश्किल हो गया था। मेरी सरकार ने रेरा कानून लागू करके ये सुनिश्चित किया है कि घरों का निर्माण समय से पूरा हो और समय से आवेदक को सौंपा जाए, जिससे कि उसकी जीवन भर की कमाई फंसे नहीं। इस कानून के बाद देश भर में करीब 35,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर किए जा चुके हैं, जिनमें लाखों घरों का निर्माण करके परिवारों को सौंपा जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार निम्न आय वर्ग के लोगों को 6.5% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे रही है। एक आकलन है कि अगर किसी ने 20,00,000 रुपए का होम लोन 20 वर्षों के लिए लिया है तो उसे करीब करीब 6,00,000 रुपए की सहायता मिल रही है। मेरी सरकार हर व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाने का काम कर रही है। वर्ष 2014 में 18,000 से अधिक गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। आज देश के हर गांव तक बिजली पहुंच गई है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत अब तक 2,47,00,000 घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। अब भारत तेजी से उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जहां उसके प्रत्येक घर में बिजली होगी और कोई भी परिवार अंधेरे में जीने के लिए मजबूर नहीं होगा। मेरी सरकार हर वर्ग की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। आय कर का बोझ घटाकर और महंगाई पर नियंत्रण करके सरकार ने मध्यम वर्ग को बचत के नए अवसर दिए हैं। सरकार का प्रयास है कि कड़ा परिश्रम करने वाले हमारे मध्यम वर्ग की पूंजी बढ़े और निवेश के नए विकल्पों से उनकी आय और भी बढ़े। माननीय सदस्यगण, जब देश को अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में एक दूरदर्शी
सर्व समावेशी संवेदनशील गरीब का दुख समझने वाले प्रधानमंत्री मिले थे तो अनेक नए विभाग मंत्रालय और कार्यक्रम शुरू किए गए थे। उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए अलग मंत्रालय हो या आदिवासी कल्याण मंत्रालय, सर्व शिक्षा अभियान हो या स्वर्णिम चतुर्भुज के जरिए देश को सड़कों द्वारा जोड़ने का अभियान, ये सब अटल जी की ही देन थे। अटल जी ने देश में व्याप्त असंतुलन को दूर करने का महायज्ञ शुरू किया था। अटल जी द्वारा किए गए ये कार्य और मंत्रालय 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में भारत में सामाजिक असंतुलन समाप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश बाद में इन कार्यों को वैसी गति और निरंतरता नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। हम सभी जानते हैं कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को अगर उनके शारीरिक संघर्ष कम करने में सहायता मिल जाए तो वे अपने दमखम पर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी सोच के तहत अटल जी द्वारा स्थापित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के लिए सहायता शिविरों की परंपरा शुरू की थी, लेकिन वर्ष 2014 तक स्थिति ये रही कि ऐसे सिर्फ 56 शिविरों का ही आयोजन हो सका। 2014 में सरकार बनने के बाद अटल जी के विजन पर चलते हुए मेरी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ दिव्यांगजनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान का प्रयास शुरू किया। बीते 4.5 वर्षों में मेरी सरकार ने औसतन हर महीने 140 सहायता शिविरों का आयोजन किया है, जहां पहुंचकर दिव्यांगजन खुद सहायता उपकरण प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान पूरी पारदर्शिता के साथ करीब 12 लाख दिव्यांगजनों को 700 करोड़ रुपए के सहायता उपकरण दिए गए। दिव्यांगजनों को आने जाने के समय रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर किस तरह की असुविधा होती है, इससे हम सभी परिचित हैं। मेरी सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाकर लगभग 1000 सरकारी इमारतों और 650 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाया है। दिव्यांग बच्चों को दूसरे राज्यों में जाने पर दूसरी तरह की सांकेतिक भाषा की वजह से तकलीफ होती थी। कई जगह एक ही राज्य में भी अलग अलग सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। उनकी इस तकलीफ को समझते हुए मेरी सरकार ने पूरे देश में दिव्यांगजनों के लिए एक ही सांकेतिक भाषा पर काम शुरू किया। दिल्ली में स्थापित इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा दिव्यांगजनों के लिए 3000 शब्दों की डिक्शनरी प्रकाशित की जा चुकी है और 3000 नए शब्दों की डिक्शनरी पर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की लगभग 100 वेबसाइटों को भी दिव्यांगजनों की आवश्यकता के मुताबिक बदला गया है। मेरी सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू करके उन्हें शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और नौकरी में समानता का अवसर भी प्रदान किया है। माननीय सदस्यगण, वर्षों से हमारे देश में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाले हादसों को लेकर बड़ी चर्चा होती रही। संसद में भी ये विषय कई बार उठा है। वर्ष 2014 में हमारे देश में मानव रहित क्रॉसिंग की संख्या 8300 थी। मेरी सरकार ने मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करने का अभियान चलाया और अब ऐसी क्रॉसिंग लगभग समाप्त हो गई है। हमारे देशवासियों को प्रायः किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से जूझना पड़ता है। हर वर्ष कुछ जिलों में बाढ़ आती है, कुछ जिलों में सूखा पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन पर भी सरकार पूरा बल दे रही है और हम अपने राहत के कार्य पूरी क्षमता से कर सकें, इसके लिए पहले के मुकाबले दोगुनी से ज़्यादा राशि मुहैया कराई गई है। चाहे दक्षिण भारत के राज्यों में समुद्री तूफान की आपदा हो या फिर पूर्वी भारत में बाढ़ का संकट, मेरी सरकार ने राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों में पूरी तत्परता और संवेदनशीलता का परिचय दिया है। माननीय सदस्यगण, समाज में व्याप्त हर प्रकार के अभाव और अन्याय को समाप्त करने की संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए कानून व्यवस्था में समुचित परिवर्तन का प्रयास किया है। नागरिकता संशोधन विधेयक के द्वारा उन पीड़ितों को भारत की नागरिकता प्राप्त होने का मार्ग आसान होगा जो प्रताड़ना के कारण पलायन करके भारत आने पर मजबूर हुए हैं।
इसमें उनका कोई दोष नहीं है, बल्कि वे परिस्थितियों का शिकार हुए। किसी नाबालिग के साथ बलात्कार करने के जघन्य अपराध की सजा के लिए सरकार ने अपराधी को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है। कई राज्यों में तेजी से सुनवाई के बाद दोषियों को फांसी की सजा मिलने से ऐसी विकृत सोच रखने वाले लोगों में कड़ा संदेश गया। हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की जिंदगी से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार 3 तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना सामाजिक न्याय के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संशोधन पारित करके गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह पहल देश के उन गरीब युवक युवतियों के साथ न्याय करने का प्रयास है जो गरीबी के अभिशाप के कारण वंचित महसूस कर रहे थे। इस नई व्यवस्था का वर्तमान आरक्षण पर असर ना पड़े इसके लिए शैक्षिक संस्थानों में सीटों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ाई जा रही है। माननीय सदस्यगण, हमारे युवा ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश और 21वीं सदी के युवा भारत की उम्मीदें तथा उसके सपने मेरी सरकार की नीतियों निर्णयों को प्रेरित करते रहे। अपने पैरों पर खड़ा होने की ललक रखने वाले युवाओं को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत पिछले 4 वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 1 करोड़ युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया। आने वाले समय में देश में 15,000 से ज़्यादा ITI, 10,000 से ज़्यादा कौशल विकास केंद्र और 600 से ज़्यादा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भारत के युवाओं के कौशल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। नौजवानों को अपने व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण प्राप्त हो इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के ऋण दिए गए। इसका लाभ ऋण प्राप्त करने वाले 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उठाया है। इस योजना के तहत 4 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा लोगों ने पहली बार ऋण लेकर अपना व्यवसाय प्रारंभ किया है। मेरी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया तथा स्टैंडअप इंडिया के माध्यम से नौजवानों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिसके फलस्वरूप आज भारत का नाम स्टार्टअप की दुनिया में अग्रिम पंक्ति के देशों में लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के द्वारा सरकार ने नौकरियों को इंसेंटिव के साथ जोड़ा है। इस योजना के तहत किसी नौजवान को नई नौकरी मिलने पर जो EPS और EPF का 12% एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाना होता है वो पहले 3 वर्ष तक सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ देश के 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को मिल चुका है। माननीय सदस्यगण, हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बेटी बेटे अच्छी तरह पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़ें। उच्च स्तरीय प्रोफेशनल एजुकेशन के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रही है और 7 IIT, 7 IIM, 14 IIIT, 1 NIT और 4 NID की स्थापना की जा रही है। देश में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही स्कॉलरशिप और फेलोशिप की राशि में 25% से अधिक की वृद्धि का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 103 केंद्रीय विद्यालय, हर आदिवासी बाहुल तालुके में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और 62 नए नवोदय विद्यालय बनाने की दिशा में कदम उठाकर शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत आधार देने का काम किया जा रहा है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई दिशाओं में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्र के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि जो बच्चे अभी विद्यालयों में हैं उन्हें अपने विचारों की उड़ान को सच्चाई में बदलने का पूरा अवसर मिले।
आइडियाज से इनोवेशन की इसी सोच के साथ सरकार 5000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना के लिए तत्पर है। बदलते समय और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ रोजगार और व्यवसाय के तरीके बदल रहे हैं। हमारे देश का युवा इसके लिए तैयार हो सके, इस दिशा में मेरी सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। युवा केंद्रित खेलो इंडिया अभियान के तहत मेरी सरकार देश के कोने कोने से प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसके चयन में पारदर्शिता है, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। इसका परिणाम हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे पदकों के रूप में दिखाई देता है। माननीय सदस्यगण, आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में प्रभावशाली योगदान दे रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकार की नीतियों और योजनाओं से महिलाओं को उद्यमिता के इतने नए अवसर मिले हैं, उनका व्यापक स्तर पर आर्थिक समावेश और सशक्तिकरण हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है। अब तक देश भर में दिए गए 73% लोन महिला प्राप्त हुआ। दीनदयाल योजना के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ऐसी महिला स्वयं सहायता समूहों को मेरी सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया। यह राशि वर्ष 2014 के पहले के 4 वर्षों में दिए गए ऋण से 2.5 गुना ज़्यादा है। देश के छोटे और मझोले उद्योगों में महिला उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए अब बड़ी सरकारी कंपनियों के लिए ये अनिवार्य किया गया है कि वे कम से कम 3% खरीदारी महिला उद्यमियों के प्रतिष्ठानों से ही करें। मेरी सरकार अलग अलग क्षेत्रों में महिला होने की वजह से उनके साथ होने वाली गैर बराबरी को दूर करने का प्रयास कर रही है। पिछले वर्ष ही ये फैसला लिया गया था कि सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह ही एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से स्थायी कमीशन दिया जाएगा। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी महिलाएं अंडरग्राउंड माइनिंग के क्षेत्र में नौकरियों के अधिकार से वंचित थी। मेरी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र में भी महिलाओं को नौकरी के समान अवसर दिए जाएंगे। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं के अच्छी तरह लालन पालन का पर्याप्त समय मिल सके, इसके लिए मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। चाहे चिलचिलाती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो, बर्फबारी हो या कोई और चुनौती हो, हमारे देश के मेहनती किसानों ने दिन रात एक करके खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। डेयरी उत्पादों और मछली पालन तथा अन्य क्षेत्रों में इजाफा किया है। आप में से बहुत से सदस्यों ने गांव के जीवन और किसानों के संघर्ष को बहुत करीब से देखा है। हमारे किसान भाई हमारी अर्थव्यवस्था का आधार तो हैं ही, वे हमारे देश की परंपराओं के भी संरक्षक हैं। मैं पूरे सदन की ओर से भारत के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूँ। मेरी सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है। किसानों की हर जरूरत को समझते हुए उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है। कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसानों को अधिक सुविधा और सहायता मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। खेती पर होने वाला खर्च कम करने, किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने, नए बाजार मुहैया कराने तथा कृषि क्षेत्र में आय के नए साधन जोड़ने के लिए नई सोच के साथ काम किया जा रहा है। मेरी सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को फसल की लागत का 1.5 गुना से अधिक करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके साथ ही किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वैज्ञानिक तरीकों से खेती में मदद मिले, इसके लिए देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मिट्टी की सेहत के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए 17 करोड़ से ज़्यादा शायल
हेल्थ कार्ड बांटे गए हैं। खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा यूरिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए यूरिया की 100% नीम कोटिंग भी की गई है। सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए मेरी सरकार पहले की 99 अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर रही है। इनमें से 71 परियोजनाएं अगले कुछ महीनों में पूरी होने जा रही हैं। जल की प्रत्येक बूंद का समुचित उपयोग हो, इसके लिए सरकार माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दे रही है। फसल खराब होने की स्थिति में किसानों पर आने वाले संकट में सहायता के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कम प्रीमियम पर फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसानों को फसल बेचने में आसानी हो, इसके लिए देश की 1500 से ज़्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का अभियान चलाया गया। फसलें बाजार तक पहुंचने में खराब ना हो, उनका सही भंडारण हो सके, इसके लिए देश भर में जगह जगह नए कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है। फसल के बाद खेतों से निकलने वाले अवशेष से भी किसानों की कमाई हो सके, इसके लिए वेस्ट टू वेल्थ अभियान चलाया जा रहा है। मेरी सरकार ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के द्वारा मछुआरों को गहरे समुद्र में जाकर मछली पकड़ने का प्रशिक्षण देने के साथ आधुनिक फिशिंग ट्रॉलर्स उपलब्ध करा रही है। ये सारे व्यापक कार्य 70 वर्ष से चली आ रही हमारी कृषि व्यवस्था में स्थायी बदलाव लाएंगे और हमारे अन्नदाता किसानों को सशक्त करके उन्हें मुश्किलों से उबार पाएंगे तथा उनके सामर्थ्य के साथ न्याय कर पाएंगे। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़ी योजनाओं को गति देकर यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी ई गवर्नेंस का पूरा लाभ मिले। वर्ष 2014 में देश में मात्र 59 ग्राम पंचायतों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच पाई थी। आज 1,16,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया तथा लगभग 40,000 ग्राम पंचायतों में वाईफाई हॉटस्पॉट लगा दिए गए। ग्रामीण भाई बहनों तक सुविधाएं आसानी से पहुंचें, इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स की स्थापना बहुत तेजी से की गई है। इन केंद्रों में बैंकिंग से लेकर बीमा और पेंशन से लेकर स्कॉलरशिप की तमाम सुविधाएं गांव के लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्ष 2014 में देश में सिर्फ 84,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 3,00,000 से अधिक हो गई है। इसमें से भी 2,12,000 सर्विस सेंटर केवल ग्राम पंचायतों में स्थापित किए गए हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में डेटा का आसानी से और कम दरों पर उपलब्ध होना हमारे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है और विकास का जरिया भी। वर्ष 2014 में जहां 1 GB डेटा की कीमत लगभग 250 रुपये थी, अब वह घटकर 10-12 रुपये हो गई है। इसी तरह मोबाइल पर बात करने में पहले जितना खर्च होता था वो भी अब आधे से कम हो गया है। पहले सामान्य उद्यमियों के लिए सरकारी विभागों को अपना सामान बेचना प्रायः नामुमकिन होता था, अब सरकारी खरीद के लिए GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। जेम की वजह से जहां एक ओर सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई है, वहीं दूसरी ओर देश भर के छोटे बड़े शहरों और गांवों के व्यापारी अपना उत्पाद बिना किसी मुश्किल के सरकारी विभागों को बेच सकते हैं। प्रक्रियाओं को सरल बनाने की कड़ी में सरकार ने हाल ही में सिर्फ 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की स्वीकृति देने वाली योजना भी शुरू की है। माननीय सदस्यगण, महान संत तिरुवल्लुवर ने कहा है कि येट्टुलम इट्टुलम कातलुम कात वगुत्तुलम वल्लद अरस, यानी कि अच्छी सरकार समुचित ढंग से संपत्ति अर्जित करती है, राज्य के धन और सेवाओं को बढ़ाती है, उनका ठीक से संरक्षण करती है और लोगों के बीच राज्य की सुविधा और संपदा को सजगता के साथ न्यायपूर्ण तरीके से पहुंचाती है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 45 साल बाद भी हमारे देश में गरीबों के लिए बैंकिंग सुविधाओं की क्या स्थिति थी,
इससे हम सब भली भांति परिचित हैं। मेरी सरकार की जनधन योजना इस बात का एक उत्तम उदाहरण है कि कैसे एक बड़े आर्थिक परिवर्तन का आधार तैयार किया जाता है। यह योजना सिर्फ लोगों के बैंक खाते खोलने मात्र की नहीं है, इसके उद्देश्य बहुत व्यापक है। यह योजना देश के गरीब का आर्थिक समावेश कर रही है और उसका आत्मविश्वास बढ़ा रही है। जनधन योजना की वजह से आज देश में 34 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं और देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के अनुसार वर्ष 2014 से लेकर 2017 के बीच पूरे विश्व में खोले गए कुल बैंक खातों के 55% खाते भारत में ही खुले हैं। आंकड़ों से आगे बढ़कर इसका जो सकारात्मक प्रभाव देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ रहा है उसे भी जानना आवश्यक है। हमारी माताएं बहनें बुरे वक्त में काम आने के लिए हमेशा कुछ पैसे बचाकर रखती थी, लेकिन अक्सर ये पैसे रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च हो जाते थे। आज जनधन खातों में जमा 88,000 करोड़ रुपए इस बात के गवाह हैं कि कैसे इन खातों ने बचत करने का तरीका बदला। जनधन योजना की वजह से ही आज मनरेगा का पैसा, अलग अलग बीमा योजनाओं की राशि, स्कॉलरशिप, पेंशन, ज़्यादातर सरकारी लाभ DBT के जरिए सीधे गरीबों के बैंक खातों में जाने लगा। गरीब और सरकार के बीच बिचौलियों की भूमिका जनधन खातों ने समाप्त कर दिया। आज अगर देश में 60 करोड़ से ज़्यादा रुपए डेबिट कार्ड हैं और भीम ऐप के द्वारा कम लागत पर डिजिटल लेन देन सुलभ हो रहा है तो उसके पीछे जनधन योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी कड़ी में अब तक डाकघरों में स्थापित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से सरकार बैंकिंग सेवाओं को लोगों के और निकट पहुंचा रही है। भारत में हो रहे इस आर्थिक समावेश की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। माननीय सदस्यगण, समाज कल्याण के अनेक क्षेत्रों में ऐसी योजनाएं तो बीते कई दशकों से चल रही थी, लेकिन उनका अपेक्षित प्रभाव देखने को नहीं मिलता था। नागरिकों के सुख दुख, उनकी परेशानियों के प्रति मेरी सरकार की सजगता, सक्रियता और सही नियत ने बड़े बदलावों को संभव कर दिखाया। वर्ष 2014 में मेरी सरकार को जनता ने पूर्ण बहुमत देने के साथ ही यह आदेश भी दिया था कि काले धन और भ्रष्टाचार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बीते 4.5 वर्षों में मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी है। जनमन को समझने वाली मेरी सरकार ने पहले दिन से ही काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ और कैबिनेट की पहली के खिलाफ SIT यानी गठन का निर्णय लिया। इसके बाद सरकार ने काले धन के खिलाफ नया और कठोर कानून बनाया। विदेश में गैर कानूनी तरीके से जुटाई गई संपत्ति के खिलाफ भी मेरी सरकार ने अभियान चलाया। टैक्स हैवन समझे जाने वाले अनेक देशों के साथ नए सिरे से समझौते किए गए और कई देशों के साथ पुराने समझौतों की कमियों को दूर करते हुए नए बदलाव लाए गए। भारत से विदेश जा रहे काले धन को रोकने के साथ ही मेरी सरकार ने देश के भीतर भी काले धन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। देश का हर वो सेक्टर जहां काले धन का प्रवाह था उसके लिए नए कानून बनाए गए, उन्हें टैक्स के दायरे में लाया गया। इन कार्रवाइयों के बीच सरकार ने लोगों को अपनी अघोषित आय और अघोषित धन को स्वेच्छा से घोषित करने का अवसर भी दिया। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में नोटबंदी का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम था। इस फैसले ने काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और वह धन जो व्यवस्था से बाहर था उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। सरकार के इस कदम ने देश को अस्थिर करने वाली ताकतों और काले धन के प्रवाह में मदद करने वाली व्यवस्थाओं की कमर तोड़ दी। काले धन के प्रवाह के लिए जिम्मेदार 3,38,000 संदिग्ध शेल कंपनियों का रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा खत्म किया जा चुका है। इन कंपनियों के निदेशकों को दोबारा चुने जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
वहीं बेनामी संपत्ति कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और आर्थिक अपराध करके भागने वालों के खिलाफ बने कानून के तहत 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो रही है। ये मेरी सरकार की नीतियों का ही प्रभाव है कि आज रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन के उपयोग में भारी कमी आई है, जिसकी वजह से घरों की कीमतें कम हुई हैं और एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का अपना घर होने का सपना सच हो रहा है। माननीय सदस्यगण, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी सरकार की नीतियों से सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ा है और इनकम टैक्स देने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 से पहले जहां 3.8 करोड़ लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया था, वहीं अब 6.8 करोड़ से ज़्यादा लोग आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आगे आए। आज करदाता को यह विश्वास है कि उसका एक एक पैसा राष्ट्र निर्माण में ईमानदारी के साथ खर्च किया जा रहा है। मेरी सरकार मानती है कि भ्रष्टाचार और कालाधन देश के ईमानदार करदाता के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। भ्रष्टाचार सदैव किसी गरीब या मध्यम वर्गीय व्यक्ति का अधिकार छीनता है। इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बल दिया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का विस्तार करने से पिछले 4.5 वर्ष में 6,05,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि लाभार्थियों तक पहुंची है। इस वजह से अब लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। सरकार ने लगभग 8 करोड़ ऐसे नामों को भी लाभार्थियों की सूची से हटाया है जो वास्तव में थे ही नहीं और बहुत से बिचौलिए फर्जी नाम से जनता के धन को लूट रहे थे। माननीय सदस्यगण, देश को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करें जो देशवासियों को पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने में मददगार हो। वर्ष 2014 से पहले पारदर्शिता के अभाव में कोयला खादानों का आवंटन चर्चा में रहा करता था। मेरी सरकार ने उन्हीं कोयला खादानों की पारदर्शी व्यवस्था विकसित करके नीलामी की है और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा की है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट के नए कानून की वजह से अब तक बैंकों और देनदारों के 3,00,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निपटारा हुआ है। डिफ़ॉल्ट करने की नीयत से बड़े बड़े कर्ज लेकर उन्हें हड़प जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है। सरदार पटेल ने देश के भौगोलिक और राजनैतिक एकीकरण का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य अपनी असाधारण क्षमताओं के बल पर प्राप्त किया था, लेकिन पूरे देश के व्यापक आर्थिक एकीकरण का काम अधूरा रह गया था। हमारे व्यापारी और उद्यमी हमेशा परेशान रहते थे कि वो अपना सामान कहाँ से खरीदें और कहाँ बेचें, किस तरह से अलग अलग राज्यों की अलग अलग कर प्रणालियों का पालन करें। अब GST जैसा व्यापक कर सुधार ला होने से वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की अवधारणा साकार हुई। GST से देश में एक ईमानदार और पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, जिसका काफ़ी बड़ा लाभ देश के युवाओं को मिल रहा है। इस व्यवस्था से व्यापारियों के लिए पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार करना आसान हुआ है और उनकी कठिनाइयां कम हुई हैं। मैं देशवासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि शुरुआती दिक्कतों के बावजूद देश के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने बहुत कम समय में एक नई प्रणाली को अपनाया। मेरी सरकार ने व्यापार जारी रखा है। मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है कि हमारे युवा सम्मान के साथ अपना रोजगार शुरू करें और दूसरों को भी रोजगार दें। स्वरोजगार को सुविधाजनक बनाने के लिए मेरी सरकार ने व्यापक सुधार किए हैं, जिनकी विश्व स्तर पर सराहना हो रही है। इन सब सुधारों के परिणाम स्वरूप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत जहां 2014 में 142वें स्थान पर था, वहीं अब 65 रैंक ऊपर आकर 77वें स्थान पर पहुँच गया है। यह एक असाधारण उपलब्धि है। माननीय सदस्यगण, पिछले 4.5 वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था औसतन 7.3% की रफ्तार से बढ़ी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2014 में विश्व के GDP में भारत का योगदान 2.6% था। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अब यह बढ़कर 3.3% हो गया है।
आज भारत विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब हमारे देश के सामने चौथी औद्योगिक क्रांति में निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर आया है। मेरी सरकार का यह प्रयास है कि देश के लोग इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। औद्योगिक विकास और रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में आज मेक इन इंडिया की पहल के प्रभावी परिणाम सामने आ रहे हैं। अब भारत मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। हाल ही में लोकोमोटिव डीजल इंजनों को 10,000 हार्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन में परिवर्तित करने का कीर्तिमान भी भारत ने स्थापित किया है। मेक इन इंडिया के तहत ही आंध्र प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े मेडटेक जोन की स्थापना की जा रही है। रक्षा उपकरणों के उद्यम स्थापित करके देश को सुरक्षित बनाने तथा युवाओं को नए अवसर देने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। बहुत जल्द ही देशवासियों को अब तक की सबसे तेज गति की ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आज मैं अपने देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी बधाई देना चाहता हूं, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस दौर में भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में निरंतर बढ़ा रहे हैं। विशेषकर इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर सैटेलाइट प्रक्षेपण में लगातार नए रिकॉर्ड बनाकर दुनिया में अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं। मैं अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को राष्ट्र की ओर से मिशन गगनयान के लिए शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा तेजी से काम पूरा करने और जवाबदेही पर जोर देने से लोगों में सरकार पर विश्वास बढ़ा है तथा विकास को नई गति मिली है। आज मेरी सरकार परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पहचानी जाती है। असम में दशकों से लंबित भारत का सबसे बड़ा बोगीबील रेल रोड ब्रिज हो, दिल्ली के पास वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो या फिर केरल का कोल्लम बाईपास, ऐसी अनेक परियोजनाओं में देरी के कारण देश के आम नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा था। इन्हें तत्परता के साथ पूरा करके मेरी सरकार ने देश के साधनों, सामर्थ्य और जनमानस की आकांक्षाओं के साथ न्याय किया। माननीय सदस्यगण, 21वीं सदी के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना हर देशवासी की, विशेषकर मध्यम वर्ग और युवाओं की आकांक्षा से जुड़ा हुआ है। इस आकांक्षा के अनुरूप मेरी सरकार नई परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर रही है। प्रयागराज में रिकॉर्ड 11 महीने में बना एयरपोर्ट टर्मिनल इसका उदाहरण है। पिछले वर्ष देश का पहला कंटेनर वेसल कोलकाता से चलकर राष्ट्रीय जलमार्ग के जरिए वाराणसी तक पहुंचा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को भी नवंबर 2015 में शुरू करके पिछले साल देश को समर्पित किया जा चुका है। मेरी सरकार मानती है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के राज्यों यानी संपूर्ण पूर्वी भारत में देश का नया ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है। इसलिए पूर्वी भारत में रेलवे, हाईवे, वाटरवे, एयरवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मेरी सरकार निरंतर बल दे रही है। पूर्वी भारत में 19 एयरपोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से 5 एयरपोर्ट पूर्वोत्तर राज्यों में बनाए जा रहे हैं। सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट और उड़ीसा के झारसुगड़ा में वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बिहार के बरौनी और झारखंड के सिंदरी में बरसों से बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स के पुनर्निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की गई ऊर्जा गंगा परियोजना पूर्वी भारत के अनेक शहरों में गैस पाइपलाइन पर आधारित उद्योगों का विस्तार करेगी। सरकार पूर्वी भारत में नए एम्स के साथ साथ नए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भी कर रही है। सरकार द्वारा महात्मा गांधी की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण मोतिहारी में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। इसी तरह असम के लिए महत्वपूर्ण गैस क्रैकर प्रोजेक्ट और उड़ीसा में पारादीप तेल रिफाइनरी के कार्य में भी तेजी लाई गई है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला
ढोला सदिया पुल, जिसे भूपेन हजारिका सेतु नाम दिया गया है, अब देश को समर्पित किया जा चुका है। सरकार ने जिन 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई है, उनमें से लगभग 13,000 गांव पूर्वी भारत के हैं। इनमें से भी 5,000 गांव पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज वाले इलाकों में स्थित हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जीवन को आसान बनाने के लिए मेरी सरकार परिवहन और पर्यटन से परिवर्तन के लक्ष्य पर काम कर रही है। पूर्वोत्तर की लगभग सभी रेल लाइनों को ब्रॉड गेज में बदला जा चुका है। अब सभी 8 राज्यों की राजधानियों को रेल से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। इसके लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 15 नई रेल लाइनों पर काम चल रहा है। माननीय सदस्यगण, देश की सबसे तेज ट्रेन हो या देश का सबसे ऊंचा पुल, देश का सबसे लंबा सी लिंक हो या देश की सबसे लंबी सुरंग, दुगनी गति से हाईवे का निर्माण हो या रेल लाइनों को गेज में बदलाव, रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप देना हो या देश के अनेक शहरों में नई मेट्रो परियोजनाएं, देश के छोटे छोटे शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ना हो या नए जलमार्ग, इन सभी क्षेत्रों में मेरी सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास कर रही है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ भी आगे बढ़ रही है। हमारे शहरों को आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित व्यवस्थाएं मिले, हमारे शहर अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन बने, इसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में भी देश को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले 4 वर्ष से लगातार इस सेक्टर की विकास दर 2 अंकों में रही है। इस वर्ष 2017-18 में देश के 12,30,00,000 से ज़्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की है। इस संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह बदलाव बढ़ते हुए भारत की एक झलक पेश करता है। उड़ान योजना के अंतर्गत लोगों को 12,00,000 सीटें कम कीमत पर उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके कारण आज साधारण परिवार के व्यक्ति को भी हवाई जहाज में उड़ने का अवसर मिल रहा है। साथ ही सरकार द्वारा बीते 4.5 वर्षों में देश में 300 से ज़्यादा नए पासपोर्ट केंद्रों की भी स्थापना की गई है। वर्ष 2014 से पहले देश में 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 400 से ज़्यादा हो गई है। अब लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए बार बार बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। माननीय सदस्यगण, देश में चौतरफा विकास के लिए हो रहे इन कार्यों में भाई बहन, हमारे लघु और मध्यम उद्यमी, हमारे इंजीनियर, हमारे ऑडिटर, डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक और हर पेशे तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सभी जिम्मेदार नागरिक संत रविदास के इस कथन को चरितार्थ करते हैं कि परिश्रम ही सबसे बड़ी पूजा है। श्रम कौ ईसर जान के जऊ पूज रैन रैदास तिन्ही संसार मह सदा मिलहि सुख चैन। यानी श्रम को ही ईश्वर जानकर जो लोग दिन रात श्रम की पूजा करते हैं, उन्हें संसार के सभी सुख चैन प्राप्त होते हैं। सरकार के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हमारे प्रोफेशनल्स राष्ट्र निर्माण के सजग प्रहरी हैं। इनकी आशाओं आकांक्षाओं में जब सरकारी कर्मचारियों की इच्छा शक्ति भी जुड़ जाती है, तो वही अभूतपूर्व पूर्व परिणाम देखने को मिलते हैं जो आज देश देख रहा है। मेरी सरकार हर कर्मचारी के सुख दुख में उसके साथ खड़ी है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके मेरी सरकार ने उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश की है। मेरी सरकार ने कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की व्यवस्था को निरंतर सशक्त करने का कार्य भी किया है। सरकार की ये सोच रही है कि राज्य सरकारें अपने राज्य में विकास के कार्य और प्रभावी तरीके से करें। इसी सोच पर चलते हुए वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मेरी सरकार ने राज्यों को विकास के लिए पहले की तुलना में 10% अधिक राशि देने का निर्णय किया। माननीय सदस्यगण, इस समय प्रयागराज में आयोजित कुंभ पूरी दुनिया में चर्चित हो रहा है। इस विशाल आयोजन में इस बार तेज गति के साथ
विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का स्थायी विकास किया गया है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम क्षेत्र इस समय स्वच्छता और आधुनिक प्रबंधन का प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। गंगा हमारे लिए केवल एक नदी ही नहीं है, गंगा हमारी माँ जैसी है, हमारी संस्कृति और आस्था का जीवंत रूप है। गंगा को स्वच्छ रखना हमारा पुनीत कर्तव्य है। इसके लिए मेरी सरकार द्वारा किए गए नमामि गंगे मिशन के तहत अब तक 25,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। गंगा में गिरने वाले दर्जनों बड़े नालों को बंद करके, औद्योगिक कचरों को रोककर, शहरों के किनारे अनेक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर मेरी सरकार गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान में तत्परता के साथ जुटी हुई है। माननीय सदस्यगण, राष्ट्र नायकों के योगदान को सम्मान देना हर देशवासी का और सरकार का कर्तव्य है। आधुनिक भारत के निर्माताओं को सम्मानित करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मेरी सरकार ने गांधी जी की पुण्यतिथि पर दांडी में निर्मित राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक देश को समर्पित किया है। इसी महीने दिल्ली में क्रांति मंदिर का भी लोकार्पण किया गया है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। सरकार ने उनके सम्मान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी देना शुरू किया है। सरकार ने बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़े 5 पवित्र स्थानों को पंचतीर्थ के तौर पर विकसित करने का कार्य भी संपन्न किया। देश ने लौह पुरुष सरदार पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाकर उन्हें नमन किया। मेरी सरकार देश के आदिवासी स्वाधीनता सेनानियों की स्मृति में अलग अलग राज्यों में म्यूजियम का निर्माण करवा रही है। मेरी सरकार ने वर्ष 2015 में महामना मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से अलंकृत किया। इस वर्ष नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से अलंकृत करने का निर्णय लिया गया। जिन कर्मठ व्यक्तियों ने बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्य किए हैं, उन्हें बिना किसी भेदभाव के उनकी योग्यता के आधार पर राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करके मेरी सरकार ने त्याग और सेवा के आदर्शों के प्रति देश की प्रतिबद्धता जताई है। हमारी परंपराओं में संतों और गुरुओं का दर्जा सबसे ऊपर है। इसी महीने सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का जारी किया। यह भी हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि मेरी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। माननीय सदस्यगण, विश्व पटल पर जहां एक ओर भारत हर देश के साथ मधुर संबंध का हिमायती है, वहीं प्रतिपल हमें हर चुनौती से निपटने के लिए स्वयं को सशक्त भी करते रहना है। बदलते हुए भारत ने सीमा पार आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी नई नीति और नई रीति का परिचय दिया। पिछले वर्ष भारत उन चुनिंदा देशों की पंक्ति में शामिल हुआ है जिनके पास परमाणु त्रिकोण की क्षमता है। हमारी सेनाएं और उनका मनोबल 21वीं सदी के भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है। मेरी सरकार ने 4 दशकों से लंबित वन रैंक वन पेंशन की मांग को न सिर्फ पूरा किया बल्कि 20 लाख पूर्व सैनिकों को 10,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के एरियर का भुगतान भी किया है। मेरी सरकार का मानना है कि अपनी रक्षा जरूरतों को एक पल के लिए भी नज़रअंदाज करना देश के वर्तमान और भविष्य दोनों के ही हित में नहीं है। बीते वर्ष रक्षा क्षेत्र में हुए नए समझौतों, नए सैन्य उपकरणों की खरीद और मेक इन इंडिया के तहत देश में ही उनके निर्माण ने सेना का मनोबल बढ़ाया है और सैन्य आत्मनिर्भरता की ओर देश का मार्ग प्रशस्त। आने वाले महीनों में नई पीढ़ी के अति आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल को शामिल करके अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने जा रही है।
आज इस अवसर पर मैं देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में हमेशा मुस्तैद रहने वाले सुरक्षा बलों को भी बधाई देना चाहता हूँ। आतंक और हिंसा में कमी लाने में उनके संगठित प्रयासों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जितने युवक विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आए हैं वह एक रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष पुलिस मेमोरियल का लोकार्पण करके देश के प्रति उनके बलिदान को सम्मानित किया गया है और उनकी स्मृति को भावी पीढ़ियों के लिए संजोया गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार जम्मू, लद्दाख और कश्मीर के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य में विकास का वातावरण बनना शुरू हुआ है। हाल ही में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में 13 वर्ष बाद और पंचायतों में 7 वर्ष के अंतराल के बाद शांतिपूर्वक चुनाव हुए, जिनमें लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया और 70% से अधिक मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध मेरी सरकार द्वारा 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था। इस पैकेज में से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी अलग अलग परियोजनाओं के लिए अब तक 66,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की स्वीकृति दी जा चुकी है। यह मेरी सरकार की राजनयिक सफलता है कि आज भारत की आवाज़ वैश्विक मंचों पर सम्मान के साथ सुनी जाती है। कुछ दिन पूर्व वाराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में भारत की यह अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि और ज़्यादा मुखर हुई है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया और आज यह दिवस पूरे विश्व में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। पूरी दुनिया में योग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। आज भारत को यह गर्व है कि हमने विश्व समुदाय को योग जैसी श्रेष्ठ पद्धति की सौगात दी है। सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीयों के पासपोर्ट की ताकत और उसका मान ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि उनके सुख दुख की सहभागी भी बनी है। पिछले 4 वर्ष में संकट में फंसे 2,26,000 से ज़्यादा भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया। पर्यावरण के संरक्षण में भारत की पहल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिले सम्मान ने प्रत्येक भारतीय का गौरव बढ़ाया है। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत आज विश्वव्यापी सौर ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। पिछले वर्ष इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहली महासभा की बैठक सफलतापूर्वक दिल्ली में आयोजित की गई। वर्ष 2022 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देश की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के साथ आयोजित किया जाने वाला यह सम्मेलन भारत के वैश्विक प्रभाव को और बढ़ाएगा। माननीय सदस्यगण, इस वर्ष हमारा देश 21वीं सदी के सशक्त, स्वावलंबी और समृद्ध नए भारत के लिए एक निर्णायक दिशा तय करेगा। इस वर्ष आम चुनाव के रूप में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। इस सदी में पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करने वाले युवाओं को मैं इस सदन के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत का नागरिक होने के नाते अब वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और देश की नीति एवं निर्णयों की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार के प्रयासों से पूरे देश में बेहतरी के लिए बदलाव हो रहे हैं और बदलाव की यह प्रक्रिया जारी रहेगी। देश के 130 करोड़ लोगों के आशीर्वाद और उनके सहयोग से मेरी सरकार नया भारत बनाने की ओर चल पड़ी है। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, एक ऐसा नया भारत जहां हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और शिक्षित हो, एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले और उसके पास आगे बढ़ने के समान अवसर हों, एक ऐसा नया भारत जहां हर बच्चा बिना किसी अभाव के जीवन में आगे बढ़े और हर बेटी सुरक्षित महसूस करे, एक ऐसा नया भारत जहां प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले और उसकी गरिमा सुनिश्चित हो, और एक ऐसा नया भारत
जिसे पूरे विश्व में सम्मान से देखा जाए। माननीय सदस्यगण, आइए हम सभी एक साथ मिलकर नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें और 21वीं सदी में भारत की प्रतिष्ठा को नए शिखर पर पहुंचाएं। जय हिंद।